नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। अभी जो अगर मार्केट खोलने के साथ इसमें जो ट्रेड कर रहा है, 15 पैसे तक हम लोग को इसमें बढ़त देखने के लिए मिली है। बट अगर हम लोग इसका मार्केट एनालाइज करें यस बैंक के बारे में, तो इसका जो मार्केट कैप है वो आप लोग देख सकते हैं 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट वैल्यू 13 रुपये 20 पैसे है। हाई एंड लो ये तो मार्केट बंद होने के बाद ही देख सकते हैं कितना आएगा। डिविडेंड इस शेयर में अभी आपको नहीं मिल रहा है। बट अगर हम लोग पुराने टाइप की बात करें, यानी कि 2019 से पहले पहले अगर हम लोग इसमें देखें, तो 2019 से पहले पहले ये शेयर आप लोग को 27 रुपये तक का भी 27% तक का भी इसने डिविडेंड दिया है। लेकिन 2019 के बाद इस शेयर ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। और अगर हम लोग इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, तो 2019 के बाद जो यस बैंक है उसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिल रहा। तो इस चीज़ पर आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। क्या आप लोग अब भी शेयर में इन्वेस्ट करेंगे इस एनालिटिक को देखने के हिसाब से कि 2019 से इस कंपनी ने कोई भी खुद प्रॉफिट नहीं कमाया, तो इस शेयर में आप लोग क्या प्रॉफिट मिलेगा? कमेंट करके जरूर बताना आप लोग इस शेयर के बारे में। क्या आप लोग को लगता है इस शेयर के कि ये आप लोग को आने वाले टाइम में ग्रो करेगा या नहीं? और जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, ये आने वाले टाइम में ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम लोग इसका पेयर कंपेरिजन देखें तो ये अगर हम लोग 8 बैंक को कंपेरिजन करते हैं, तो ये 8 सबसे जो जो हमारा यस बैंक है वो सबसे लास्ट वाली पोजिशन पर आता है, नंबर 8 पे। और अगर आप लोग को बैंकिंग सेक्टर में ही इन्वेस्ट करना है, तो कौन से ऐसे शेयर है जिनमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो दो नाम आते हैं, HDFC बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है, आप लोग अपने लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी इस शेयर को स्टोर करके रख सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट देंगे। दूसरा जो आपका ICICI बैंक, इन दो बैंक में आप लोग बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे बैंक है। आप लोग इनके बारे में एनालिटिक्स भी देख सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसके बाद अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, तो क्वार्टरली रिजल्ट भी आप लोग अगर देखें तो पिछले 3 क्वार्टरली रिजल्ट में हम लोग को कोई इतना अच्छा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन अगर हम लोग पिछले जो तीन क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें हम लोग को थोड़ी सी बहुत ही मामूली सी ग्रोथ इस यस बैंक में देखने के लिए मिली है। तो क्या आप लोग को लगता है कि ये जो ग्रोथ है ये आप लोग को लगातार देखने के लिए मिल सकती है या नहीं? अगर हम लोग, ये तो कहना बाद की बात होगी, बट अगर हम लोग इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ये वाला पोर्शन होगा इसमें, तो हम लोग एक एक्सपेंसेस पे भी ध्यान देंगे। एक्सपेंसेस में जो मार्च 2021 वाला क्वार्टर था उसमें 6,890 का इन्होंने 90 करोड़ का इनके एक्सपेंसेस थे। उसके बाद इन्होंने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर दिया 2028 करोड़ को, और ये जो लास्ट क्वार्टर था इनका उसमें भी 2025 करोड़ पे इनके एक्सपेंसेस थे। तो इस रिजल्ट को एक्सपेंसेस के बाद आप लोग को देख के क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग के सामने पूरी पूरी एनालिटिक रिपोर्ट मैंने रख दी, हर एक चीज़ कंपैरिजन करके दिखा दिया। अगर हम लोग प्रॉफिट भी देखें तो जो पिछले 3 क्वार्टर में हम लोग का कोई भी इतना ज़्यादा प्रॉफिट देखने के लिए नहीं मिला, और जो कंपनी खुद प्रॉफिट नहीं कमा रही वो आप लोगों को क्या प्रॉफिट कमा के देगी, इस चीज़ में आप लोग जरूर बताना। और हम लोग कैश फ्लो भी अगर हम लोग देखें तो भी पिछले दो बार पिछले जो हमारे थे मार्च में और 2020 में हम लोग को आप लोग कैश फ्लो देखिए कितना ज़्यादा डाउन जा चुका था, यानी कि अप्रोक्स 57,000 करोड़ रुपये इनके जो ऑपरेशन एक्टिविटीज़ थी उसमें घट चुकी थी। यानी कि अगर हम लोग ऑपरेशन एक्टिविटीज में देखें, जो आप लोग के लोन्स हो गए उन सब में ये चला गया था, लेकिन फिर भी मार्च 2021 में इसमें हम लोग को रिजल्ट अच्छा देखने के लिए मिला। तो बात यह थी कि आप लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो भाई मेरे हिसाब से आप लोग यस बैंक में इन्वेस्ट ना करें तो ही बेटर है, क्योंकि एक टाइम पर आप लोग ट्रेड देखिए, जो शेयर था 275 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज के टाइम में जो ट्रेड कर रहा है यानी कि 13 रुपये। और अगर हम लोग देखें तो अप्रोक्स 31 जुलाई के बाद ही 11 रुपये तक इसका प्राइस था, उसके बाद हम लोग को ये प्राइस बढ़ते हुए दिखाई नहीं दिया, 14-15 मैक्सिमम 18 उससे ऊपर हम लोग को ये शेयर जाते हुए नहीं दिखाई दिया। तो आप लोग का इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना, और जल्दी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग को शेयर मार्केटिंग के बारे में इस तरह से अच्छी अच्छी नॉलेज चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।